हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया है जो कि क्लास 9 का हीरोन्स फॉर्मूला है, चैप्टर नंबर 10, ठीक है, जो कि काफी इजी है और काफी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है इसका, ठीक है। और मैंने कि आप एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हो, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, फिर आप किस चीज के लिए यूज करते हो, किस मतलब क्या क्या ये सारी चीज हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हीरोन्स फॉर्मूला जो है किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं। कोई भी ट्राइंगल, भले वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, स्केलेन ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, कोई सा भी ट्राइंगल हो, अगर उसके आपको तीनों साइड पता है ना, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि आप एंड तक देखेंगे तो काफी चीजें आपको न्यू चीजें मिलता रहेगा और काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो ये सारी चीजें देखना है आपको एंड तक वीडियो, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं यहां पे। जैसे एक ट्राइंगल ये ट्राइंगल आपका, जिसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर, ये साइड जो है इसकी लेंथ मैंने ए मान लिया, इसके लेंथ को बी और इसको लेंथ को सी मान लिया। अब यहां पर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला, जिसे हिंदी में कहते हैं परिमाप, परिमाप। तो फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर को हम पी से डिनोट करते हैं, पी से फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। दूसरा होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं, जिसे कहते हैं हम अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ, परिमाप का आधा, पेरीमीटर का हाफ, सेमी पेरीमीटर कहलाएगा, जिसे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू भी कहते हैं, ठीक है। अब इसी के बाद होता है एरिया, एरिया निकालने का, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। एरिया को हम डेल्टा से यूज करते हैं, फॉर्मूला होता है रूट में एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। S is a semi-perimeter और ABC यहाँ पे क्या है, साइड है, किसका, ट्राइंगल का, ठीक है। और इसी फॉर्मूला का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन लेके समझाऊंगा और कि कैसे पुटअप करेंगे, कैसे आंसर आएगा। अब जैसे कि मैंने इस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है, फाइंड एरिया, तो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और ये स्केलेन ट्राइंगल है, ठीक है। और फिर मैं बोलो एंड तक वीडियो देखिएगा, इसमें क्या होगा, मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का अलग से स्पेशली एक फॉर्मूला सिखाऊंगा, कैसे निकालते हैं, कैसे पुटअप करेंगे, उसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाइट। सेम एक आइसोलेसिस ट्रायंगल, उसका भी मैं स्पेसिफिक फॉर्मूला बना के दे दूंगा, ठीक है, उसका भी आपका मैं हाइट निकालने का, एरिया कैसे निकाल। तो ये एंड तक आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका एरिया पहले कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर हिंदी में कहते हैं इसको परिमाप, इसको P से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला होता है A प्लस में B प्लस में C। मैंने इस साइड को A मान लिया, इस साइड को B मान लिया, इस साइड को C। ऐसा जरूरी नहीं कि A B C ऐसे, आप चाहो तो इसे A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर जब भी आएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C, बाउंड्री का सम, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री का सम। तो जोड़ दो सभी साइड को, तो 7 सेंटीमीटर प्लस में आपका 12 सेंटीमीटर और प्लस में आपका 13 सेंटीमीटर। अब 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, और 20 और 12 कितना हो जाएगा 32, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका 32 सेंटीमीटर आएगा। अब ऐसी सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर को हम एस से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है पी बाई टू। तो पेरीमीटर का आधा 32 अपॉन बी टू, 32 अपॉन बी टू कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। यह आपका क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया। तो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में, रूट में एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। तो रूट में एस, एस की वैल्यू क्या है, सेमी पैरामीटर की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, इंटू में यहां पे 16 सेंटीमीटर माइनस में 16 सेंटीमीटर माइनस में ए, ए क्या आपका 7 सेंटीमीटर, इनटू में 16 सेंटीमीटर माइनस में बी कितना, बी आपका 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इनटू में 16 सेंटीमीटर माइनस में सी कितना आपका 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर,
अब यहां पे कितना होगा 16 सेंटीमीटर इनटू में 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा यहां पे 9 सेंटीमीटर, 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और 16 माइनस 13 होता है यहां पे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये काफी इजी है अगर आपको इसका रूट पता है कंप्लीट, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 9 3 का होता है, 4 2 का। हां अगर मल्टीप्लाई में है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे यहां पे मैंने लिखा रूट 4 प्लस 9। अब ये नहीं कि इसका आंसर 2 प्लस 3 आप लिख देना और आंसर 5, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। हाँ अगर यही चीज मल्टीप्लाई में है रूट 4 इंटू में 9, तब आप बिल्कुल 2 इंटू में 3 लिख सकते हैं आंसर 6। प्लस माइनस में वो एप्लीकेबल नहीं करेगा, मल्टीप्लाई के लिए एप्लीकेबल। ये चीज जानबूझ के मैंने बताया कि ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई में तो मैं डायरेक्टली लिख दिया 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 9 3 का, 4 2 का। अब 3 तो होता ही है तो इसको मैं रूट 3 लिखूंगा। सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है तो पेयर बन गया, रूट बाहर निकल जाएगा। सेम 2 सेंटीमीटर यहां पे भी है तो 2 सेंटीमीटर बाहर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल गया। ऐसे हम रॉन्स फॉर्मूला का यूज करके हमने इसका निकाला है।